So this property suggests that though the positive charge and negative charge are not like positive and negative number, still we can add them. So as we discuss how it is a property, because it should be a common sense. अगर हमने पहला चार्ज पॉजिटिव दिया, दूसरा नेगेटिव दिया, तीसरा पॉजिटिव दिया, the total charge or total charge given or total charge in the system is always algebraic sum of all the charges given to it. Algebraic sum का मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऐड करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव करेंगे. And this is just the normal thing, but इसमें property क्यों है? Because positive charge is like one type of property, this is another type of properties. Properties को हम number की तरह जल्दी ऐड नहीं करते. Got it? उसे समझ नहीं आया तो पूछ लेना. ये तो हम पहले कर चुके हैं. सर एक बार फिर बता दो, डिस्कनेक्ट हो गया था. सक्षम, मैं कल की क्लास नहीं की शायद. सक्षम, यस सर. कल की क्लास की थी आपने? नहीं सर, मैं आउट ऑफ स्टेशन था. अच्छा, तो ये थोड़ा कल की क्लास से लिंक है, बस कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ. पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने से. आई शेयर द रिकॉर्डिंग आल्सो फॉर दोस हु मिस्ड द फर्स्ट क्लास. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करने से, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करने से, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन कुछ नहीं है. एक की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लूज करने से आती है, एक गेन करने से आती है. पॉजिटिव चार्ज इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एंड नेगेटिव इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. तो जैसे समझने वाली बात यह है कि एक प्रॉपर्टी है लाइक बीइंग गुड और बैड. अगर किसी पर्सन में पांच अच्छी बातें हैं, गुड एंड फाइव बैड, that person may not be a neutral person, right? Because some bad qualities, bad raw qualities or properties may be very bad. Excuse me, sir. बोलो बेटा. सर आप थोड़ा fast बोलो, थोड़ा धीरे बोलो सर. वो उस कारण से words catch नहीं कर पा रहा थोड़ा मैं. वैभव. Yes sir. सर मैं थोड़ा fast बोल रहा हूँ, अपनी speed slow करो. Volume ठीक है ना? Yes sir, volume ठीक है. ओके, कोई बात नहीं, आराम से बोलूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं. टेक योर टाइम. यस, ये तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बोला था बिकॉज इट इज समथिंग दैट वी हैड ऑलरेडी डन यस्टरडे, बट कोई बात नहीं, फिर से आराम से करते हैं. रिलैक्स. किसी बॉडी में अगर हमने बहुत सारे चार्जेस दिए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, टोटल चार्जेस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट. ये ठीक है? यस सर. यस सर. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सबको ऐड करके हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे. नाउ द पॉइंट इज कि ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए. व्हाई वी स्टडी दिस लाइक अ प्रॉपर्टी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को ऐड करने की. पॉजिटिव चार्ज इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नॉट अ नंबर. नेगेटिव चार्ज इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज. हम प्रॉपर्टीज यानी क्वालिटीज को ऐड नहीं करते लाइक अ नंबर. मैंने एग्जाम्पल दिया, किसी पर्सन में अगर पांच अच्छी आते हैं और पांच खराब, तो हम उसको एक न्यूट्रल पर्सन नहीं मान सकते. दैट बिकॉज जो फाइव बैड क्वालिटीज है वो बहुत बुरी भी हो सकती है, विच डोमिनेट्स ओवर दी फाइव गुड क्वालिटीज. ये लाइन समझ में आई पूरी? अबव? यस सर. अच्छा, इंटरनेट का भी इशू हो सकता है, देख ले रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू स्पीक प्रॉपरली. अब लेकिन चार्जेस के केस में दो दे आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिर भी हम उनको नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस. पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव नंबर की तरह, सो चार्जेस कैन बी एडेड लाइक नंबर्स. दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. थर्ड, अक्षम सक्षम लास्ट क्लास में कर देगा. दिस वी हैव टू स्टार्ट. यस, ओके. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके पहले थोड़ी थोड़ी अभी भी बात की थी लास्ट क्लास में. डोंट वरी, इसमें कुछ बहुत खास नहीं था. सो यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग सक्षम एंड रायना. सो देयर आर टू बॉडीज, दे आर हैविंग सम चार्ज. चार्ज हमने प्रोड्यूस किया इसमें पहले Q1 एंड Q2. Some of electron lose karke. And now if suppose we connect them by wire or we touch them or anything, by some means we are touching them or charge is being transferred from one body to another body. Right. Good afternoon.
यू कम फ्रॉम फार विच प्लेस कहां से आते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोलेटेड सिस्टम मींस व्हिच डज नॉट इंटरैक्ट विद एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड किसी भी तरह का इसका बाहर दुनिया से कनेक्शन नहीं है दो बॉल्स थे हमने उसको बाहर से कनेक्ट कर दिया दिस इज द इनिशियल सिस्टम Now if you connect them by some conducting wire, दोनों को आपस में टच कर दे, so that some amount of charge will be exchanged between the two and this is the final state. As for the conservation of charge principle, किसी भी isolated system का total charge हमेशा conserve रहता है. Charge can only transfer from one body to another body, but it cannot be destroyed. The total charge of an isolated system is always conserved. Total charge of an isolated system remains conserved. Initial charge is Q1 plus Q2, final charge is Q1 dash plus Q2 dash. दोनों चार्जेस हमेशा सेम ही होंगे कुछ भी कर लो अगर बाहर की दुनिया से कोई चार्ज नहीं आ रहा है देयर इज नो चार्ज अफेक्टिंग दिस सिस्टम हम इसको अपने हैंड से टच नहीं कर रहे दैट मींस द बॉडी इज गोइंग टू बी द सिस्टम इज गोइंग टू हैव एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज बिफोर राइट नाउ एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेट सिस्टम इज अवर यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स का टोटल चार्ज हमेशा सेम ही रहेगा इट इज ऑलवेज कंजर्व Right? अगर हम किसी बॉडी को हाथ से टच कर लेते हैं स्फीयर को देन दिस इज नॉट अ आइसोलेटेड सिस्टम बिकॉज़ वी इंटरफेयर्ड थोड़ा चार्ज हमारी बॉडी पे आ सकता है पहले था लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट उसमें जो पॉसिबल वेरिएशंस थे दैट वी अंडरस्टूड न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है किसी भी चार्ज बॉडी को और टू सिमिलर चार्ज बॉडीज में आल्सो सेकंड वाज एडिटिव प्रॉपर्टी थर्ड इज कंजर्वेशन So, conservation of charge का मतलब जब भी कभी हम दो suppose sphere को touch करते हैं एक positive charge एक negative charge अगर हम touch करेंगे sparking होगी कुछ high voltage low voltage touch each other sparking but that sparking loses energy not the charge total charge इतना पहले था उतना ही बाद में होगा some amount of energy will be lost in the form of heat and maybe sound but the total amount of charge will remain fixed Vaibhav Yes, sir. This speed is fine, or I'm being again going faster. No, sir, it's fine. It's fine. Okay, great. Rana, you understood everything? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा मैंने shortcut में expression दिया है. Anything you want to ask, you can ask. Fourth property is called quantization of charge. क्वांटाइजेशन का मतलब होता है सम मल्टीपल ऑफ समथिंग या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज दे रहे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बाय एनर्जी अगर वन इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट एंड सिमिलरली अ बॉडी दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन This will gain one electron, two electron, three electron, and so on. So any charge present on the body is always multiple of charge of an electron. According to quantization principle, the total charge on any body should always be an integral multiple of charge of an electron. Why electron? Because electron is called the fundamental charge. Electron ke transfer se charges produce hote hain. N is an integer. And E is fundamental charge, which is the charge of an electron. Proton, kyun nahi? No. I'm coming to that. Kisi bhi body mein charge kaise produce hota hai? Electron ke transfer se proton ke transfer. It is basically electron going from one body to another. Electron का multiple होगा.
इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, कूलॉम इज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। करेक्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन इज जो इससे रिलेटेड है ऑन दिस प्रॉपर्टी। यस रीड आउट। फाइन, अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ऑन दिस प्रॉपर्टी। हमने इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज भी हो सकता है। इज देयर एनी चार्ज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस और नो? नो। यस एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? Any charge smaller than that of electron is possible or not? Vidit? Yes. Electron se chota charge hota hai koi? Sir, I don't think so. You don't think so. Yes. Above? Okay. Hota hai. Yes, sir. Kya bol rahe sir? बेटा इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज होता है? नो सर। होता है, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो स्टेबल स्टेट में नहीं। ये वर्ड सुना है क्वार्क? क्या होता है इलेक्ट्रॉन का डिवीजन? इलेक्ट्रॉन का फर्दर डिवीजन है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। हमने कभी 11 के क्वेश्चन में क्लास में बच्चे बोल गए। दो तरह के क्वार्क्स होते हैं, अप एंड डाउन। एंटी पार्टिकल क्वार्क के अंदर बहुत सारे डिवीजन, क्वार्क के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, हमने 11 में नहीं। There are two type of quarks. एक तो होता है charge positive 2/3 times charge of electron, another is negative 1/3 of charge of electron. ये question आया हुआ exam में, is there a charge smaller than electron is possible? The answer will be yes. Why it is not considered as the fundamental charge in the quantization? Because it is not stable. It's not stable. First thing, second, it exists only inside the nucleus. Quark से क्या बनता है? Neutron and proton. This is the constituent particle of proton and neutron. One proton is composed of three quarks, two positive one, two up, and one down. Two up and one down, that come to constitute one proton. U, U, and up, up, and down. एड करोगे तो चार्ज आ जाएगा प्लस वन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के। सिमिलरली न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ थ्री क्वार्क्स, वन पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, अप डाउन एंड अप। सो क्वार्क इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट लाइफ इज 10⁻¹⁰ − 12 − 15 सेकेंड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स होता है, तो हमने चार फंडामेंटल फोर्सेस की बात की थी लास्ट क्लास। ग्रेविटेशन फोर्स मास की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्यों लगता है? क्योंकि इनके क्वार्क आपस में बदलते रहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये क्वार्क इधर से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन बन गया, जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन बन गया, बीच में इंटरैक्शन की वजह से फोर्स डेवलप हो जाता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, व्हिच इज द रीजन ऑफ सच अ हाई स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेक नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत भी हिलाते डुलाते हैं, चेंज करते हैं तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है।
huge amount of energy. And the reason is strong nuclear force. Correct. So every question in exam, that's why I'm including those questions which are asked in the exam from these topics. Is there a charge smaller than that of electron? Answer is yes, but inside the nucleus, and it does not exist in the stable state, hence it is not considered as a fundamental charge. Right? Okay. Second question related to this. Agar hum ek coulomb ke liye baat kare, for 1 coulomb charge. Number of electrons kitne chahiye? Number of electrons required. L is 6 into 10 to the power 8. Any beta solve kar lo, isse yaad kar lo. 1 divided by e, 1 coulomb divided by 1.6 to the power minus 90. Solve karne ka gaya 6.25 into 10 to the power 18. Itne electron se 1 coulomb charge produce. Right, so now my question here is, 1 coulomb charge is not a practical amount of charge. It does not exist in reality. Why? 1 coulomb of charge is a hypothetical amount of charge. It's a huge amount of charge present only in during the lightning or such thunder. Okay. Ab agar hum ye keh rahe hain ki 1 coulomb charge ho nahi sakta practically. इलेक्ट्रॉन तो क्यों रखनी चाहिए 6.25 टेन टू पावर 18. व्हाट इज इन वन नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल 6.022 टेन टू पावर 23. इवन इफ यू कंसीडर वन मोल ऑफ एनीथिंग हाइड्रोजन सोडियम इसमें इतने एटम्स होंगे और एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन तो होगा कम से कम हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तो है 23 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी होते हैं वन मोल बोले तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम कार्बन का 12 ग्राम देन व्हाट इज द लॉजिक ऑफ सेइंग दिस दैट 1 कूलम चार्ज इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इतने ही चाहिए एक प्रोटॉन क्यों नहीं वेरी गुड ये डीजल है ऐसे वन कूलम इक्वल्स टू एन एन टू चार्ज तो फिर हम एन के वैल्यू में हमारे इंटीग्रल वैल्यू में आएंगे इंटीग्रल में आ रही है इसका मतलब 13 जीरो है ना तो बट पॉइंट मल्टीप्लाई करो जीरो ना मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0.5 बढ़ जाएगा 0.00 16 टाइम्स आ जाएंगे Yes. So question is the answer I Saksham pointed out. ये जो अभी मेटल की बात कर रहे हैं, ये उस बॉडी के अंदर है. Anything has these many atoms. इस atoms में इलेक्ट्रॉन है, but जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन्स भी होंगे. So हम इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते. इलेक्ट्रॉन चार्ज कब आता है? When either body loses electron or gains electron. So if we are calculating n, n is not number of electrons required. This is number of electrons required. To be transferred. एक बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन या तो निकालने पड़ेंगे या फिर इतने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे then only the charge will be one. ये जो अभी अंदर चार्ज है इससे कोई मतलब नहीं this does not include the amount of charge. समझ गया ना अगर हमें 1 कूलम का चार्ज चाहिए तो 6.25 10 to power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर से डालने पड़ेंगे या किसी बॉडी को हीट करके निकालने पड़ेंगे which is unusually very high amount of number इसको practically नहीं निकाल सकते समझ आ रहे लॉजिक समझ गए ना but 1 ampere current हो सकती है आराम से ये 1 ampere current जो होती है 1 ampere current का मतलब क्या हुआ 1 coulomb charge 1 second में कैसे पास current को पढ़ा था ना tenth में charge going per time so 1 ampere current का मतलब हो गया 1 coulomb charge per time अब जो किसी भी वायर के अंदर जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होती है इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से तो आया नहीं वो उसके खुद के अंदर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड एवरी एटम हैज एटलीस्ट वन फ्री इलेक्ट्रॉन बता रहे दूसरा क्वेश्चन अगर किसी वायर में करंट है अब वायर करंट कैरिंग करंट
what is the charge on it? Positive, what is the type of charge on it? Positive or negative? No charge. जो negative charge होता है electron वो उसके अंदर का ही है, वो किसी atom से निकल के बाहर आया, but जिस atom से निकल के बाहर आया उस atom में उतना ही positive charge भी बच गया होगा, so the number of electrons and the number of positive charge is same. सिर्फ डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव चार्ज फिक्स है अपनी जगह पे और नेगेटिव चार्ज हैज बिकम फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेकिन टोटल चार्ज इज जीरो. सो एवरी वायर कैरिंग करंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं है. यस दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, वो उसके अंदर के खुदरे इलेक्ट्रॉन है की वजह से करंट फ्लो हो रही है. तो करंट आप 1 एम्पीयर भी कर सकते हो, 10 एम्पीयर भी कर सकते हो, जो घर में सप्लाई करंट आ गई है फोर से दैट इज 25-30 एम्पीयर डिपेंडिंग अपॉन योर हाउसहोल्ड रूल. तो 30 कूलम चार्ज भी अंदर आराम से पास हो रहा है. यस बेटा कुछ कह रहे हो क्या वैभव? ओके म्यूट योरसेल्फ इफ यू हैव सम डिस्टरबेंस. क्वांटाइजेशन समझ आ गया? क्वांटाइजेशन का मतलब था चार्ज शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही लीस्ट स्टेबल स्टेट में चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 1 कूलम चार्ज के लिए? 6.25 × 10⁻¹⁸ व्हिच इज अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. कितनी एनर्जी देंगे देन बॉडी गायब हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप दिस मच चार्ज इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन. ओके यहाँ तक कोई डाउट नहीं? फाइन, एवरीथिंग इज फाइन. ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये सब नोट भी करना है आपको. आई विल प्रोवाइड यू नोट्स बट ओनली वंस यू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स. अपने हाथ से नोट्स लिखने जरूर पड़ते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज. इनवेरियंस इनवेरियंस क्या है? वेरियंस क्या है? बदल जाए. समथिंग इज वेरिएबल, समथिंग इज वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड वेरियंस. चार्ज इज नॉट वेरिएबल. हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में लाइक देयर आर टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एक मास की होती है और दूसरा चार्ज. एनीथिंग पजेस मास एज वेल एज चार्ज. न्यूट्रल स्टेट में वो चार्ज जीरो हो जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे. इन ग्राउंड स्टेट टोटल चार्ज विल बी जीरो. द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास, सपोज किसी बॉडी का मास है एम नॉट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ द सेम पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग सर m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ना? हां, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर. This is called dynamic mass or relativistic mass. When a body moves, this has a charge of mass m naught. M naught is rest mass. When the same body starts moving with a certain speed, then the property of mass changes. इसमें c speed of light है. इसलिए जब तक कि speed of the particle is not comparable to the speed of light, ये variation हमें दिखाई नहीं पड़ेगा observing. Once the particle has started moving with very very high speed of the order of the speed of light, the energy value as per equal will be, only then the mass will change. मन होता है कि जबकि तो मास बदलता नहीं, गाड़ी में बैठो मास बदलता ही है. As long as v is very very small then c, ये तो zero हो गया, इसलिए m is equal to m naught. But जब आपका velocity बहुत ज़्यादा हो जाए, space shuttle में बैठ के space में घूम रहे हैं, speed is 1/100 times speed of light as respect to the power 6 to the power 5. Okay, na? In that case, your mass will be changed. Your mass effect will change. Hamara jo mass abhi concentrated hai, bas scatter hone lag gaya. Speed of light mein, v ko agar c daloge to mass. Okay. Happens when correction.
That's effect of gravity. It also happens in the giant swing that when you go round, when you come downwards, you feel little less weight. The same happens in the roller coaster. When you go up, you feel more. When you're coming down, suddenly you feel that weight is decreased. But that is because of change of gravity. Mass तो फील नहीं करते हैं क्या फील करते हैं अपना वेट वेट फील करते हैं और किसने फील करा है नॉर्मलाइजेशन करेक्ट तो वो जो आप फीलिंग बोल रहे हैं करेक्ट जब रोलर कोस्टर में होते हैं नीचे जा रहा है तो ऊपर चढ़ कर ली वेट फॉल डाउन देन यू फील कि थोड़ा कम हो गया वेट ना एनीवेज ये जो मास की प्रॉपर्टी है जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम समझते हैं वो भी बदल जाती है प्रति हायर स्पीड अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो मास कितना हो जाएगा सर इनफिनाइट 1 माइनस 1 जीरो समथिंग लाइक दैट सो इफ अ पार्टिकल मूव्स द स्पीड ऑफ लाइट वो इनफिनिट हो गया मतलब वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया एनर्जी के फॉर्म में एंड दैट एनर्जी विल बी एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन मास इनफिनिट मतलब जो भी कंफाइंड मास है वो गायब हो जाएगा पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा इनफिनिट बन जाएगा बट मास का इफेक्ट खत्म हो गया बिकॉज़ नाउ मास हैज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम केमिस्ट्री में कभी कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं केमिकल रिएक्शन में करते ना पहले मास बाद में मास वो एक्चुअल में दैट्स नॉट अ लॉ इन फिजिक्स फिजिक्स में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी मास में लाइक एज वी सॉ मास स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो एनर्जी में या एनर्जी पार्टिकल कोलाइड करके मास में वो कन्वर्ट हो सकता है हमेशा कंजर्वेशन किसका है मास प्लस एनर्जी उसी अंडरस्टूड ना कोई भी बॉडी जिसमें मास है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो बदल जाती है स्पीड के साथ बट चार्ज के साथ ऐसा कि इसके चार्जेस इनवर्स द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज रिमेन सेम इवन एट द रिलेटिविस्टिक स्पीड और इवन एट द हाइट स्पीड द प्रॉपर्टी इनवेरियंस द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज even at relativistic speeds. Relativistic word, ये जो formula लिखा हुआ है, ये किसने दिया था इस form का? Einstein. This is called special theory of relativity. Relativity हमारे syllabus में नहीं है. Special theory of relativity. And then we have two theories of relativity, special and general. What is the difference between theory and law? Theory is not proven. Obviously, we proved that. Experimental proof. Obviously, mathematical है, logical है, verbal है. But experiment करके देखने चलते हैं कि speed of light से वो देख सकते हैं. That's why it's not experimentally proven. It's still a theory. Speed. किसी भी बॉडी की जितनी भी हो जाए जिसमें चार्ज है वो चार्ज हमेशा सेम रहेगा प्रॉपर्टी तो सिंपल से बट इसके बहुत सारे कंक्लूजन जैसे पहला कंक्लूजन क्या है किसी भी बॉडी का मास एनर्जी के फॉर्म में गायब हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट पे गया अगर मास गायब हो गया तो सारा एटम गायब ऑल एटम्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो क्या आएगा एक्सेस ऑफ आएगा डिफिशियंसी That means, अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है या चल सकती है उसमें चार्ज नहीं होना चाहिए इवन एट द बिगिनिंग व्हेन दैट बॉडी वाज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट देन आल्सो इट शुड नॉट पजेस एनी चार्ज क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चलने पर तो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है सिंस पार्टिकल इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी समझ गए एनी पार्टिकल शॉर्ट कंक्लूजन इज दिस Any particle which moves with the speed of light cannot possess charge. Any particle which moves with the speed of light. Excuse me, sir. हाँ बेटा. सर v c से कभी बड़ा नहीं सकता इसका मतलब सर अगर v c से बड़ा होता तो सर v square upon c square जो होता सर वो one से बड़ा होता सर इस कारण से m negative होता तो possible इसका मतलब v जो है सब कभी c से बड़ा नहीं सकता ना. नहीं बड़ा कैसे हो आज तक स्पीड ऑफ लाइट ही गेम नहीं हो पाए अचीव नहीं हो पाए उससे बड़ा कैसे हो एनी पार्टिकल विच मूव विद स्पीड ऑफ लाइट
कैन नॉट हैव चार्ज, क्यों? क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो मास गायब हो जाएगा। इसका रीजन ये है बिकॉज मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट। मास मतलब एटम, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बट नेट चार्ज तो जीरो, चार्ज के तो सबको ऐड करके दे रहा है, नेटिव प्रॉपर्टीज सबको ऐड करते हैं कि टोटल जीरो है। मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट चार्ज तो नहीं सकता, चार्ज के लिए मास चाहिए। ये इसका एक्सप्लेनेशन ये है, एनी पार्टिकल विद सुपर स्पीड ऑफ लाइट असम्पशन इज दैट एनी पार्टिकल विद स्मूथ स्पीड ऑफ लाइट कैन नॉट हैव चार्ज। Example of any particle which moves the speed of light. कैसा particle the speed of light से move करता? Sir, electron. Photon. नहीं electron नहीं करता है। Electron. Sir, electron तो हमने पढ़ा sir electron wave function है sir, wave तो speed of light पे ही flow करती है। नहीं सारी भी बोल रहे हैं speed sound wave the speed है. Sound is also a wave, it does not propagate with the speed of light. इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग एटम के अंदर अलग होती है। हाइड्रोजन के अंदर c by 210, so c by 200, c is speed of light, it's not equal to the speed of light. Photon is a particle of light, obviously the speed of light se propagate karega. Photon does not have any charge, photon does not have any mass. स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो मास तो होगा नहीं और इसके पास कोई चार्ज भी नहीं है, नीचे चार्ज है ऊपर मास। न्यूट्रिनोस न्यूट्रिनो सुना है, व्हाट इज न्यूट्रिनो? न्यूट्रिनो सुना है किसी ने? यस सर। न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो होता है सब फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिके और न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी तो पढ़ा है, सुना है? सुना है अनस्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं विद एमिशन ऑफ सम ऑफ द पार्टिकल, उसमें से एक रिएक्शन होती है बीटा डिके, अल्फा बीटा एंड गामा। कट गया सो बीटा डीके के साथ साथ उसमें पार्टिकल्स निकलते हैं एनर्जी पार्टिकल दैट इज न्यूट्रिनो। अगर थोड़ा और रेफरेंस देना चाहे तो सन में या जो भी स्टार्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, वहां पे जैसे यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन घटता है उसे वहां पर भी सडनली बहुत रिएक्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ सडन लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तो न्यूट्रिनोस की बीम निकलती है, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स ऑफ फॉर्म। न्यूट्रिनो की एनर्जी बहुत ज्यादा है, huge amount of energy that it penetrates the whole earth. Sun se stars se nikalte hain, earth ko penetrate karke phir kuch itna nikal jaate hain neutron. Samajh gaye? Chalo to koi baat nahi, abhi wo particle physics hamare syllabus mein lenge. But ye examples hain do particle jinme jinki speed of light ke barabar hai, still these particles propagate with the speed of light, to isme charge hona possible hi nahi hai because अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे तो मास गायब हो जाएगा, मास गायब हो जाएगा तो चार्ज गायब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इनवेरियंस प्रिंसिपल चार्ज सेम रहना चाहिए, अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलने पे चार्ज नहीं है तो इनिशियली भी चार्ज नहीं होगा, चार्ज रिमेन सेम। दीज आर द फाइव फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। वैसे तो सब ठीक ठीक है बट इसमें एक प्रॉपर्टी में थोड़ा सा लोचा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पैराडॉक्स। एक तो जो पहले वाली प्रॉपर्टी में कुछ थोड़ी सी मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी,
हमने वो समझा कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लाइक चार्जेस रिपेल दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. सिमिलरली थोड़ा सा और इसमें कुछ व्हिच इज नॉट मेंशन क्लियरली इन बुक्स, सो लेट्स ट्राई विद दिस सिचुएशन. एक हमारे पास कोई स्फीयर है ए, अनदर आइडेंटिकल सेम साइज सेम मटेरियल, एक पे चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल. Charge sphere, another identical neutral sphere, exactly identical. If you touch them together, how will the charge will be? Equally divided. Both body same hai, same size ki, dono ki property same hogi. Charge holding capacity same hogi. Q by 2, Q by. अब इन दोनों को अलग कर दो, इंसुलेटिंग हैंड से रबर ग्लव्स ना पहन के. नाउ ए एंड बी दे आर सेपरेटेड आउट और इनके ऊपर चार्ज आ गया क्यू बाय टू क्यू बाय टू. एवरीथिंग लुक्स परफेक्टली फाइन. सो ये टोटल चार्ज पहले था क्यू, अभी भी क्यू है. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज डिवाइड होना चाहिए इक्वली, चार्ज अपने डिवाइड भी हो गया, सब कुछ परफेक्ट, कुछ भी गलत अभी तक इसमें नहीं. अब आते हैं हम क्वांटाइजेशन चेक करते हैं. क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? द टोटल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सपोज फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, हमने ए पे जो चार्ज दिया वो 90 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 90 इज इंटीजर. नाउ फाइनली व्हाट इज द चार्ज अपीयरिंग एट ए एंड बी? देन 19 बाय 2 व्हिच बिकम्स 9.5 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. Is it a violation of quantization? Obviously. Yes. अभी ये तो integer नहीं रहा, this become fraction, 9.5, 9.5. जब तक हमने ये value नहीं लिखी, तब तक सबसे ही था. Value लिखा तो बिल्कुल हो गया. How we explain this? Where is which step is wrong? If it is wrong. But ऐसी situation में आ गई सबको. Weber understood this example. वैभव कर लिया क्या? वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं. यस एनीबॉडी एल्स? अब डिवाइड हो गए दोनों आइडेंटिकल क्वांटिटी, इसलिए आधा आधा चार्ज हो गया. क्यू बाई टू क्यू बाई टू बोली हुआ ना, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है, सेम मटेरियल, सब कुछ सेम है. यस नव्या, देयर इज समवन. चलो वो बातें बात करते हैं. व्हाट व्हाट शुड बी एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू यू नव्या? ओके विदित, परिधि, anybody explain this paradox? How do we justify that still the quantization is applicable, or is it applicable? Quantization hai yahan pe applicable ya nahi? Physics mein koi exception, what department chemistry? That's no exception. Physics is always logical, conceptual, mathematical. इसका मतलब गड़बड़ कहीं और है. गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ कहां पर है? क्वांटाइजेशन इज नॉट अ वैलिड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस नॉट वैलिड एट माइक्रोस्कोपिक सॉरी एट मैक्रोस्कोपिक और बल्क किसी भी बड़े साइज की बॉडी में क्वांटाइजेशन नहीं अप्लाई करते हैं, फेल हो जाता है. क्वांटाइजेशन इज ट्रू ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक, एक एटम से दूसरे एटम में, केवल एक एटम से दूसरे एटम में. और बिग साइज बॉडी हमारे ऊपर चार्ज कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 0.0019 ईओस. समझ गए? वो कह सकते, दैट इज माय क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन.
How it is 10.5? This means this is correct. It is having a 9.5 charge. अब जो quantization का logic था मैंने तो आपको एक दो तीन चार ऐसे transfer करेंगे आधा कैसे किया पता कैसे इसको? How it is possible to break one electron into two? क्योंकि जो अभी हम पढ़ते हैं theory, अभी हम जो model पढ़ते हैं atomic model. This model is the final model for an atom. एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे लास्ट अल्टीमेटली शुरू तो वहां प्लम पुडिंग से हुआ था. व्हाट इज द फाइनल मॉडल ऑन व्हिच वी एक्सप्लेन द केमिकल केमिस्ट्री एंड ऑल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम मैकेनिकल व्हाट डज इट से? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है? याद है वो कट गया था. हैव ऑर्बिटल इंस्टेड ऑफ ऑर्बिट्स. Electron exists in the form of orbitals, s, p, d, f. Electron जैसा नहीं रहता, electron इस form में होता है. Electron density के form में, clouds के form में, spherical वाला s के form में, double वाला p के form में, double double something like that. Electron के form में, particle के form में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी मैंने बताया electron की speed c by 210 something. C speed of light. स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर की होगी. अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चल रहा है तो उसका मास खत्म हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और वेव, मैटर वेव. हम भी अगर मूव करेंगे तो हमारा भी मास वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा. इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और उसमें क्लाउड जैसा कितना भी शेयर हो सकता है. एनी फ्रैक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी शेयर. यहाँ पे 100 को टच कर दो एक साथ, क्यू बाई 100, क्यू बाई 100. बड़े किसी वॉर्डिंग में पढ़ने लगाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होगा लगाओगे सब कुछ ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्कोपिक साइज. बिकॉज अगर हम अपनी बॉडी की बात करें या किसी बॉडी की बात करें, इफ इट इज अबव 0 केल्विन, तो सबका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर ही होता है. There will always be some energy available and there will always be some charge present. In the bulk size, but only point penny. Atoms in the form of point. Body, body, a pen, this is a bulk size. Rubber ball, rag, bulk size. Mobile, bulk size. Bade size in kisi bhi body mein, it is impossible to have zero charge. Uske andar electrons nikalte rehte, andar aate rehte. So some amount of charge already exists. Already possess. Kitne ki aap koshish kiyo. Now, because it has already some amount of charge, और उसके बाद आप उसको charge कर रहे हो, तो it will be charge addition or subtraction, but not multiplication. Quantization का मतलब क्या होता है? अगर अभी value 1 है, so it should jump to 2 and then 3. ऐसे step में quantization होना चाहिए. But किसी भी body में, suppose it is a bulk body, it already has some charge. Example के लिए हम ले लेते हैं 6 nanocoulomb, 10 nanocoulomb. Last 6
32 next time. अभी assume कर लो अगर 6 है ना, इसको लिखना इजी हो जाएगा. 6.000 as 19 last में 16. दो इलेक्ट्रॉन निकलने में क्या हुआ, 6.000 लास्ट में 30. इलेक्ट्रॉन निकलने में 6.00 लास्ट में 30. Only the last two digits are changing. पहले का कुछ चार्ट था इसके पास Q. Now it is slightly increased. 0.000000 last के 16. So if it has already some amount of charge जो कि हर एक बल बॉडी में प्रेजेंट होगा, that charge is slightly increased. Q is slightly increased. उससे धीरे-धीरे increase होगा. This charge is slightly increasing. It is not taking a quantum jump. A macroscopic bulk size body when it is charged does not take quantum jump. उसमें धीरे-धीरे charge बढ़ रहा है. So charge is taking all the possible values in between, not just 6 के बाद 7, 7 के बाद. Quantum का मतलब क्या, अगर पहले 6 है, second step में सीधे 12 होना चाहिए, then 18 होना चाहिए, फिर 24 होना चाहिए. So the macroscopic scale, charge is almost like a continuous change. It does not increase like a quantum jump. ये mathematical explanation है, why it fails? Because all the big size body, well size body is already having some charge. It's not in the zero Kelvin state. Very good. ये दो अलग अलग explanation थे. पहला, orbitals के form में exist करता है, electron को हम कितना भी divide कर सकते हैं, 1/10, 1/100, 1/1000, half, 1/3, right? दूसरा, why it fails at the macroscopic, because at the quantitative level, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, दो निकालने के बाद जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, that is not the double of previous. क्वांटम का मतलब है कि अगर एक में 1 होता है तो दूसरे में 2 होना चाहिए, डायरेक्ट इट शुड बी डबल एंड देन 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स. ये दोनों एक्सप्लेनेशन बुक्स में जनरली नहीं है, जहां है वहां समझ नहीं आता लिखा क्या है, ठीक है? तो अगर अभी समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क इट अगेन. Yes, any part not clear in this explanation? Quantization जब question में करने का आएगा तो आप आंख बंद करके लगा देना, सोचना मत कि सर ने तो पढ़ाया था गलत है, होता नहीं है. Orbitals, अदर orbitals के पास, अदर इसके पास sharing partial से रजोगी वाले charges होते हैं, CL में partial अलग, ठीक है ना? How much is this partial charge? वेरी वेरी लेस, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर थोड़ी है. ये तो पूरा एक क्लाउड था बीच में, पूरे ने अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया, स्लाइटली द डेंसिटी शिफ्टेड, दैट्स वेरी स्मॉल चार्ज. तो इसके यानी दो रीजन थे कि फेल किए, इसके पहले के नीचे दो रीजन थे. सबसे पहला कि इलेक्ट्रॉन सब डिवाइड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डिवाइड ही रहता है, डिवाइड ही रहता है. तो वो कभी भी एक दूसरे में किसी भी लेवल का, किसी भी परसेंटेज का शेयरिंग हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. सेकंड, ये तो हो गया उसका रीजन कि वो आधा-आधा हुआ. नाउ क्वेश्चन, व्हाई क्वांटाइजेशन फेल्स, बिकॉज़ इन अ बल्क साइज बॉडी द इलेक्ट्रॉन रिमूवल डज नॉट मल्टीप्लाई द चार्जेस, इट इंक्रीजेस द चार्ज एटली ऑलमोस्ट लाइक अ कंटीन्यूअस. स्टार मार्क करके यू कैन राइट एट मैक्रोस्कोपिक स्केल और बल्क बॉडीज में चार्ज इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली, चार्ज इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली, नॉट एज क्वांटम जंप, नॉट एज क्वांटम जंप स्लैश इंटीग्रल मल्टीपल, not as quantum jump slash integral multiple. Rana, you understood this? Yes, sir. Okay, great. NCERT में कहीं एक छोटी जरा से line लिखी है, but there is no explanation. So, just ऐसे question आते नहीं हैं, वो हमारा दुर्भाग्य. जान रहा है. Not as a quantum jump or integral multiple.
चार्ज कुछ है और उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे थोड़ा थोड़ा करके चार्ज बढ़ेगा. सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज. बढ़ते आगे चार्जेस का बिहेवियर कैसा है. बेस्ड ऑन द बिहेवियर टुवर्ड्स द चार्ज वी क्लासिफाई द मटेरियल्स टू थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. क्लासिफिकेशन बहुत तरह से करते हैं बट अभी हम कर रहे हैं टुवर्ड्स द बिहेवियर टुवर्ड्स द चार्ज. First is conductor. Conductor are those materials or those mediums in which charge easily flows. The medium which allows charge to flow easily, those are called conductors. The materials which allow charge to flow easily right. Example of conductors, water, mineral. You say water. So all metals are there. All metals are conductors. The human body and earth surface. Human body में उधर human body में क्या अंदर mostly क्या इसलिए human body is also conductor. और मेटल वायर सी फॉर ऑल मेटल्स आर कंडक्टर. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर. मिनरल वाटर एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट एनी इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कंडक्टर. स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है बीच में इलेक्ट्रॉन दो लेयर्स के बीच में बॉन्ड बनाता है एंड दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव दैट्स व्हाई इट इज कंडक्टर. ओके और एनी गैसेस गैस में कुछ कंडक्टर एयर इज कंडक्टर और एक्सेलरेटर. सो कैन यू रिपीट इट प्लीज. माय क्वेश्चन इज एनी एग्जांपल ऑफ कंडक्टर इन गैसेस स्टेट. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन वाज इज एयर अ कंडक्टर और इंसुलेटर. ये लाइटिंग होती है बिल्कुल. ओके एनी आयनाइज्ड गैस इज कंडक्टिंग. जैसे स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस और हीट करने में क्या होता है गैस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं एंड आयनाइज्ड गैस इज स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा. प्लाज्मा प्लाज्मा आयनाइज्ड गैस एयर पे आती थोड़ी देर में थोड़ी एकदम. अर्थ इज कंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर कंडक्टर इंसुलेटर कंडक्टर. और बोल रहा है कंडक्टर विदित. यस सर. अर्थ इज कंडक्टर इंसुलेटर. सर अब आप कंफ्यूज कर रहे हो. सर मैंने कुछ पूछा नहीं. मैंने क्वेश्चन पूछा मैंने बोला ही नहीं मैंने क्या कंफ्यूज किया. एयर इज कंडक्टर और इंसुलेटर. एयर इज इंसुलेटर. 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 अर्थ इज कंडक्टर इंसुलेटर. सर कंडक्टर. कंडक्टर. कंडक्टर होते हुए सारी करंट जिस पार्टिंग में डालते हैं ना वो हम तक आ जाते हैं. दैट कुड हैव फ्लोन टू अस. अर्थ इज इंसुलेटर. सर अगर हम अपनी सराउंडिंग एयर को आयनाइज कर देंगे सर हमें शॉक लग जाएगा क्या?
सर मैं वैसे पूछ रहा हूँ सर, अगर आयन अगर हम सराउंडिंग ये एटमॉस्फेयर को आयनाइज कर देंगे तो घर में अगर बैठे तो सर वो जो बिजली बल्ब जल रहे सर उससे हम हमें शॉक लग जाएगा क्या? बहुत तगड़ा लाइटनिंग गिरती है ना, वो लाइटनिंग अभी कुछ लोग मरे दो दिन पहले, लाइटनिंग फॉल्स इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन, और उसको में कंडक्शन कैसे होता है क्योंकि आयनाइज एयर बिकम आयनाइज्ड इन दैट टाइम राइट. यस सर. आयनाइज गैस अगर आप आयनाइज एनवायरमेंट में जाते हो तो आपको शॉक लगेगा बिल्कुल सही. इलेक्ट्रॉन्स जो भी आयंस है वो कंडक्ट करेंगे करंट को. अभी हम थोड़ी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं कंडक्टर में. यस वैभव बोलो. अंडरस्टूड ना? अभी थोड़ा एग्जांपल पे क्लियर होगा. नेक्स्ट एग्जांपल पे इफ सपोज इट्स अ कंडक्टिंग बॉडी और हम इस कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज दे दें. सपोज वी पुट चार्ज, प्लेस चार्ज समवेयर इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी. छुपा के अंदर व्हाट हैपेंस टू दिस चार्ज? कंडक्टर क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है चार्जेस को पास करने की. दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल पास एज फार एज पॉसिबल. कहां तक आ जाएगा? सरफेस. एनी कंडक्टर अगर हम चार्ज देते हैं, चार्ज कैन बी प्रेजेंट ओनली एंड ओनली एंड ओनली ऑन इट्स सरफेस. इनसाइड एनी कंडक्टर चार्ज इज नॉट पॉसिबल. ये पूरा सॉलिड है, अंदर से हवा नहीं है, इट्स अ सॉलिड मेटल. स्टिल इनसाइड नो चार्ज कैन एग्जिस्ट. पॉजिटिव कंडक्टर की टेंडेंसी है चार्ज को फ्लो करने की. इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव करता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता. सो पॉजिटिव पिन होता है क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और बाहर सरफेस पे चार्ज. सो एनी कंडक्टिंग बॉडी कैन हैव चार्ज ओनली एंड ओनली ऑन इट्स surface. There is no charge present inside the conductor. Follow your solid location. जैसे अगर बिजली की नहीं lightning हो रही और बचता है तो क्या करना चाहिए? Sit inside the car, close all the window and door because then you are inside the metal. Just say aircraft. Airplane में हम जो बैठते हैं एक metallic cavity में बैठते हैं कि उस time तो हम cloud के बीच से ही जा रहे हैं, तो अर्थ में नहीं गिरने की जरूरत नहीं, हमें चल के जा रहे हैं. Still, we don't feel that shock क्योंकि हम metal पे हैं और metallic body के अंदर charge नहीं आएगा, charge surface पे है. Clear? वो charge बाहर है, वो अंदर हमें effect नहीं कर पाता. इसलिए जब land करते हैं, थोड़ी देर तक उसको hold करते हैं, don't open the door because the whole charge should be neutralized first by everything. Clear? Very good. ओके नेक्स्ट आते हैं. इसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. चार्ज यहां से निकलता है तुरंत और चार्ज आके सरफेस पे रेस्ट में आ जाता है. नाउ दिस फिनोमेना, दिस स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. विल सी व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन वी सी फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक. मतलब ये तो होगा ही नहीं, तो समझाने के लिए था रखो कि बाहर आके रखो कि बाहर अंदर रख ही नहीं सकते. You can put charge only on the surface. So, अभी हम कंडक्टर में कोई चार्ज देते हैं, वो हमेशा कहाँ पे होगा? उसके सरफेस पे. That charge will come on the surface. There is no charge possible inside a conductor. Okay. Second classification, insulator. Follow. अंदर जो कुछ भी है वो चार्ज का इफेक्ट और फिर उसके बाहर की बॉडी को अर्थिंग हाउस होल्ड सप्लाई. जितना भी चार्ज बिल्डअप हो रहा है किसी भी मेटल की सरफेस पे, वो सारा का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए ताकि हम टच करें तो हमें शॉक. ये क्वेश्चन बना तुम्हारा अच्छा. नहीं, ये चार्जिंग नहीं है यार, भी बात के लिए करंट कैरिंग वायर डज नॉट हैव अ चार्ज. जब उसको टच करते हो शॉक क्यों लगता है?
बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. हम खड़े अर्थ पे, हमारा पोटेंशियल जीरो है, बट वो आ रहा है टेम्परेचर. सो व्हेन यू टच इट, इट्स नॉट अ चार्ज दैट गिव्स यू शॉक, इट्स अ करंट दैट फ्लोस थ्रू योर बॉडी बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से आपके ब्लड पोलराइज हो जाता है, ब्लड में कुछ कुछ शॉक लगा तगड़ा वाला ना लगे. अच्छी बात. अब कोई भी अगर सपोज गूगल एप्लीकेशन है, दैट मींस देयर इज अ कोड चार्जेस, व्हेन यू टच इट द चार्ज गोस टू योर बॉडी, कंप्लीट्स द सर्किट एंड दैट रन्स द एप्लीकेशन अटैच्ड टू दिस, द सर्किट अटैच्ड टू दिस. समझ गए? ऑल कैपेसिटिव टच स्क्रीन इज बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस ओनली, दैट व्हेन यू टच द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस गेट्स स्लाइटली यूटिलाइज्ड टू योर बॉडी. उतना ज्यादा नहीं होता कि आपको शॉक लगे. Understood? Right. और ज्यादा अच्छा अगर चाहिए सेंसिटिविटी, तो हम क्या करते हैं, स्टाइलस यूज करते हैं. स्टाइलस हैज द अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज. सो व्हेन यू टच इट, वो बिल्कुल प्रेशर पिन पॉइंटेड उसी पॉइंट पे पड़ता है. आप अच्छे से ड्रॉइंग कर सकते हो, लाइन बना सकते हो, बट नॉट विद योर हैंड, बिकॉज हैंड में हर तरफ से कॉन्टेक्ट पड़ सकता है. राइट? ओके, कम बैक. कंडक्टर में चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज रखोगे तो निकल के बाहर आ जाएगा. सेकंड इज इंसुलेटर, द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ, द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ चार्जेस टू पास इज कॉल्ड इंसुलेटर. पास थ्रू इट प्रोसिलीन. गूगल देख रहे हो कि बुक देख रहे हो? नो सर, वैसे पता है मुझे. तो गले है वो तेरे सीक्वेंस में वही नंबर जो बुक में लिखे. ओके, वेरी गुड. वुड पेपर ऑन तो फिर बहुत आगे ना, इसलिए एग्जांपल होता है. रबर इज इंसुलेटर और कंडक्टर. इंसुलेटर सर. ग्लास, अभी एग्जांपल दिया था मैंने एयरप्लेन का. एयरप्लेन जब हवा में उड़ता है, क्लाउड के बीच से जाता है, बहुत सारा चार्ज की बॉडी पे, जब वो अर्थ पे आके नीचे लैंड करता है, उसके टायर किसके बने होते हैं? अगर वो इंसुलेटर है तो पूरा कैसे जाएगा अर्थ में? हाउ इट विल बी यूटिलाइज्ड देन? हमने थोड़ी करने आता है. दैट रबर इज एक्चुअली कंडक्टर. सो रबर जब आप बोल रहे हो, देन यू शुड स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ रबर. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर दैट इज आर्टिफिशियली मेड. It is natural rubber which is insulator, but artificial rubber में हम rubber को बहुत highly conducting भी बना सकते हैं with addition of some extra atoms impurities. समझ गए? Rubber अगर बोलोगे तो गलत हो जाएगा, because there are type of rubber which is conducting as well. Understood ना? Natural. Okay, what about water? Pure water or distilled water is perfectly insulated. Diamond insulated, any carbon electrode other than the graphite. अब बात करते हैं air. Air is insulated? है नहीं है? NS air तो conducting होती. वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है.
Let us say conductor. Okay. Now, if air is an insulator, then how does it conduct the charge on the cloud during the light? Clouds can be deposited in this moment. Okay, this is how moisture just increases the conductivity of that. Conductivity of the air. But what moisture means? That's also an insulator. Moisture means water, na? Yes. That's also an insulator. So what is the logic? How it becomes conductive? Because air is not a perfect insulator. Air में क्या problem है? Air या air के जैसे बहुत सारे insulator हैं जिनमें insulation is limited, does not provide insulation for all the values. इसमें क्या होता है? जैसे हमें positive charge है, air के molecules का negative end इसके तरफ attract होगा, positive end will be repelled. Air में क्या क्या होता है? What is the air position? Oxygen, nitrogen, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, some polar molecules. Dusra example samajhte hain, water. Fir come back to it. Water is insulated. But uska bhi insulation ek tank tak hi hota hai, uske baad khatam ho jata hai. Why? Because it has one oxygen, which is negative, partial negative, partial positive. Kisi charge ke paas ya kisi field ke paas water molecule aayega, uska negative end attract hoga and positive end will be repelled. This phenomenon is not induction. This phenomenon is polarization. Ek hi molecule ke andar electrons ka shift hona, this is called polarization. Aur aise dielectric jinmein molecules polarize ho jate hain in the presence of external electric field or charge, unko hum bolte hain dielectric. In fact, theoretically all insulators are dielectric. All dielectrics are insulators. But not all insulators are dielectric. We sub mein polarization possible nahi hai, like wood. Wood cannot be polarized because mein ek hi carbon carbon hai. Water, more electronegative, hydrogen less. There will be polarization. Ab ye jo bahar ka charge hai, jaise charge badhta jayega, waise polarization badhega, the molecule will be stressed. Aur ek electron ke baad bhi bas touch hoga ki electron will be stressed. Right? डायलेक्ट्रिक कौन से होते हैं? दोज इंसुलेटर्स जिनके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स बिकम पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्ज। एज द एक्सटर्नल चार्ज इंक्रीजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड आउट एंड द आयनाइजेशन अगर मीडिया से आयनाइजेशन नहीं होता, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर बाहर आ गए। नाउ सिंस देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, it will be behaving like a conductor. Question tha electron ke shift se ek taraf negative positive, jab ek surface pe hua tha body body mein usi bahut sare molecule ka polarization mila ke induction bolte hain, jo ek ball thi ball ke paas positive charge rakha, ek taraf negative ek taraf positive, that is basically polarization of many molecules. But hame surface pe ek taraf negative milega ek taraf positive, ye ek molecule ke water ke liye hai, air ke liye. In the presence of external charge or field, those molecules which gets polarized, the insulators which gets polarized are called dielectric. So all dielectrics are insulators, but not all insulators are dielectric. That's a wood is a pure insulator, it's not dielectric. Water is an insulator, but its dielectric insulation is limited. Take time ke baad उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्यूज के बाहर आ जाएंगे एंड इट बिकम्स कंडक्टिंग इन नेचर, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ लाइटनिंग। एयर में लाइटनिंग कब होती है? जब कोई बहुत हाईली चार्ज क्लाउड आता है, खतरनाक से एनवायरनमेंट कुछ ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स बिगड़ गए और जगह पे गेट्स आयनाइज्ड, डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो जाता है। सो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और दूसरा आयनाइज्ड गैसेस आए। तो जो हमें अच्छा अच्छा लगता है ना, वेदर अच्छा हो गया, क्लाउड्स आर क्लाउड्स यू फील गुड, बस बेसिकली सम आयंस आर कमिंग टू योर बॉडी एंड योर बॉडी इज गेटिंग सेंसिटाइज्ड, सेंसेशन से प्रोड्यूस होता है कुछ,
because of the ions and the charged atmosphere present there. समझ आ रहा है ना? सर कुछ चार्ज आया तो हमें क्या होगा? हमारे सवाल खड़े हो जाते हैं. सर कुछ something similar happens. So because of the dielectric breakdown of here, electrons उसमें reason में free हो जाते हैं. And that particular time, the air below that cloud becomes conducting, and that conducts the charge of the cloud to the earth. Why air is not a pure insulator? It is insulator, but beyond a certain limit, that insulation is lost because it gets ionized. And this is not just with air; this is true with any dielectric material, any dielectric medium. Its insulation is limited. It is not insulated for all the situations, right? Because dielectric getting dalke. The insulators which have polar molecules, and the molecules which have the insulators which are polar molecules are called dielectric. And in the presence of a strong external charge / electric field. In the presence of a strong electric charge / field, the dielectric molecules are ionized, electric field or charge se electric field produce hoti hai jo hum padhenge. In the presence of a strong charge / electric field, the dielectric molecules are ionized and it starts behaving as conducting medium. Aur ye kaun decide karta hai? This starts ka magnitude. Not every cloud has lightning, causes lightning. Uski kuch value hum baad mein padhenge. That's called dielectric strength of the medium. Example, air during lightning. Okay, then I think it's time for you to notice. So we'll continue from here next Saturday. Adi weekend match. So give your preference, whichever. Sir. Friday, yes, Friday, but Friday I will talk. Friday is for the solving of the worksheet, but we didn't take much yet. So eight weekend or like that. Sir. Not this Friday. Yes. सर दोनों बैचेस अभी मतलब सेम ही अमाउंट करना है ना, एक ही जगह पहुंचे तो मतलब मैं कल से अब वीकडे में आ सकता हूं? बेटा कल से आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें हो चुका है, सो आई थिंक आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू. एनीबॉडी यस सर, कैन यू प्लीज शेयर दोस वीडियोस? हां बेटा, वो इसमें एक थोड़ा पैटर्न चेंज कर देना है, प्रबोर पे नहीं है, दैट विल बी ऑन द आवर 100 प्लस एकेडमी ऐप एंड्रॉइड ऐप क्लास पे वाले पे, एंड इट विल बी अवेलेबल इन योर वीडियो सेक्शन. यू डोंट नीड टू बाय इट. डोर पे ना वो थोड़ा मैनेज नहीं था. ओके ओके सर, थैंक यू सर. ओके बेटा, थैंक यू. आई विल शेयर विद यू दोस वीडियोस. द क्लास हो गई? हाँ, क्लास हो गई.